नमस्कार, आज हम पापड़ की सब्जी बनाएंगे। जब कभी कुछ अलग खाने का मन हो या फिर घर में कोई सब्जी ना हो तब ये सब्जी बनाइए। तो चलिए बनाते हैं पापड़ की सब्जी। पहले तवा में पापड़ को कपड़े से ऐसे दबाते हुए सेंक लीजिए। या फिर डायरेक्ट सेंक सकते हैं। सब्जी बनाने के लिए पहले कढ़ाई को गर्म कीजिए, फिर इसमें 3 टेबलस्पून तेल डालिए। तेल गर्म होने के बाद 1/2 टीस्पून जीरा डाल के हल्का सा भूनिए। फिर 1 पिंच हींग डालिए। अब इसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी डाल के हल्का सा भून लीजिए। अब टमाटो पेस्ट डालिए। 2 टमाटो, 1 हरी मिर्च और 1 इंच का अदरक लेकर टमाटो पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट में 1/2 टीस्पून नमक डालिए। 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालिए। अब मसाले को तब तक भून लीजिए जब तक मसाले से तेल न अलग होने लगे। मसाला भून जाने के बाद अब इसमें 3 टेबलस्पून दही डालिए। दही को थोड़ा थोड़ा डालते हुए मसाले को लगातार चलाते हुए मसाले को उबाल आने तक पकाइए। इसमें दही फटेगा नहीं। अब इसको थोड़ी देर और भूनिए। अब 1/2 कप पानी डाल के और थोड़ा भून लीजिए।